अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लीनियर विजर्ड पोटेंशियल। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में जब हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द लीनियर विजर्ड पोटेंशियल डिस्क्राइब्स अ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज इन टर्म ऑफ अ वेक्टर पोटेंशियल एंड अ स्केलर पोटेंशियल इन द लॉरेंट्ज गेज। स्टूडेंट्स, हम लॉरेंट्ज गेज में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो लीनियर विजर्ड पोटेंशियल है वो उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, किस चीज़ को, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफेक्ट को, किसी भी मूविंग इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के, ठीक है, एक किस लिहाज से, इन टर्म ऑफ वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल किसी भी लॉरेंट्ज गेज में, ठीक है। तो ये उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है लीनियर विजर्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो इट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज इन आर्बिट्रेरी मोशन इन टर्म ऑफ वेक्टर पोटेंशियल एंड स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। अब आर्बिट्रेरी मोशन में भी ये इसी जो है वो मूविंग इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के इफेक्ट को डिस्क्राइब करता है, ईएम इफेक्ट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो उसके बाद देखें यहाँ पे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कैन बी ऑब्टेन बाय लीनियर विजर्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो उस ईएम रेडिएशन को जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, किसके मदद से, लीनियर विजर्ड पोटेंशियल की मदद से, ठीक है। तो इसी को हम आगे मजीद उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें, कंसिडर अ वॉल्यूम चार्ज कंसिस्ट ऑफ मैनी चार्जेस। फर्ज कर लेते हैं कोई भी हमारे पास एक वॉल्यूम चार्ज है और वो काफ़ी सारे चार्जेस पर कंसिस्ट करता है। दिस वॉल्यूम चार्ज Q इज़ मूविंग विद विलासिटी V। यह जो चार्ज है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज है वो जो है वो मूव कर रहा है किसी भी विलासिटी V के साथ अलॉन्ग पाथ ए बी एस शोन इन फिगर, ठीक है, जैसे कि इस फिगर में ये दिखाया गया है, ठीक है। सो आगे देखते हैं इसको, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सोर्स पॉइंट आर एस इंटू टी डैश एंड आर डैश एंड टी डैश, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट जो है सोर्स पॉइंट के वो है हमारे पास एस इंटू आर डैश टी डैश, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फील्ड पॉइंट्स आर फील्ड पॉइंट का जो है वो है हमारे पास एफ इंटू आर टी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ बेसिक थे। सो आगे देखें यहाँ से जी, यहाँ से देखना है अब, ठीक है। यहाँ से सोर्स चार्ज क्यू कवर्स डिस्टेंस एस पी विद विलासिटी वी इन टाइम डी डैश डी एंड इज गिवन बाय, ठीक है। तो हमारे पास वो किसके बराबर होगा, डी आर बराबर होगा वी टी डैश के बराबर होगा। अब डायग्राम से देखें तो हमारे पास ये जो आर है वो किसके बराबर है, हमारे पास आर डैश प्लस आर के बराबर आ रहा है, ठीक है। सो ये देखिए, ये जो आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला आर, ये किसके बराबर, आर डैश प्लस आर के बराबर आ रहा है, ठीक है। सो वो अगर यहाँ से अब कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर माइनस आर डैश के इक्वल आ जाएगी। ये इक्वेशन वन आ गई, ये इक्वेशन नंबर टू आ गई। सो यहाँ पे हमारे पास आर क्या है, वेयर आर इज रिटार्डेड रेडियस एंड आर प्लस डी आर इज प्रेजेंट रेडियस, ठीक है। एंड रिटार्डेड टाइम, और जो रिटार्डेड टाइम है वो हमारे पास क्या होगा, टी डैश बराबर होगा टी माइनस आर ओवर सी। इक्वेशन थ्री आ गई, इट शोज सिग्नल विल रीच एट एफ इंटू आर टी वेयर क्यू इज एट आर प्लस डी आर डिस्टेंस फ्रॉम एफ, ठीक है। सो यानी कि ये जब हम ये बताता है कि जो सिग्नल है वो फील्ड पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, कब, जब हमारे पास क्यू कहाँ पर होगा, आर प्लस डी आर डिस्टेंस पर होगा एफ एफ से, फील्ड पॉइंट से, ठीक है। सो आगे, द रिटार्डेड पोटेंशियल वेक्टर ए इज गिवन है, जो रिटार्डेड पोटेंशियल वेक्टर है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको सेम एज इज बनी याद हो, सी की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, वन ओवर स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट, ये वाला स्टेप आ गया, इक्वेशन नंबर फोर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल है वो हमारे पास ये होता है, ये आ गया इक्वेशन नंबर फाइव, ओके। सो आगे देखें, द रिटार्डेशन आर ओवर सी इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट चार्जेस, ठीक है। सो इट डिमांड्स एन एडिशनल इंटीग्रेशन ओवर सोर्स टाइम डी डैश विद इन लिमिट्स, ठीक है। दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग ड्रैग डेल्टा फंक्शन इन इक्वेशन फोर एंड फाइव। इन दोनों में किस फंक्शन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ड्रैग डेल्टा फंक्शन को। वो कैसे होगा जी, वो डायरेक्ट डेल्टा इंट्रोड्यूस करने के बाद वो जो इक्वेशन है हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म्स की बने, यानी कि अब इसे हमने क्या अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है, इस पर एक डिटेल्ड लेक्चर होगा, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आगे इक्वेशन नंबर सिक्स। अब जो है वो आगे हमने जस्ट इसकी करनी है जो है वो सिंपल सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जब हम ये वाली करेंगे तो इसको आपने देख लेना, स्टेप बाई कैलकुलेशन है सारी, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर सिक्स आ जाएगी, ठीक है। सो स्केलर पोटेंशियल विद ड्रैग डेल्टा फंक्शन, अब स्केलर पोटेंशियल ये तो क्या था, हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल तो हमने निकाल लिया। सिमिलरली अगर हम स्केलर फंक्शन की बात करें तो वो आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। यानी कि जब हम इक्वेशन फाइव के ऊपर ड्रैग डेल्टा फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसकी फॉर्म ये वाली बनेगी, इसको आपने सेम एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी यहाँ से इक्वेशन नंबर सेवन आ जाएगी, ठीक है। सो वेयर चार्ज की, जो चार्ज की वैल्यू होती है वो हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है।
सो वेयर ड्रैग डेल्टा फंक्शन सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, यानी कि डेल एक्स किसके बराबर होता है, जीरो, कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती। डेल एक्स जीरो के बराबर नहीं होता जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, ठीक है। दूसरा फंक्शन ये है, ठीक है, ये इक्वल वन के होता है। और जो थर्ड इसका पॉइंट है वो हमारे पास ये है, फोर्थ पॉइंट आगे हमारे पास है ये। अब हम क्या है वो पुट करते हैं, ठीक है, टी डबल डैश, ठीक है, टी यानी कि डबल डेरिवेटिव हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 8 की फॉर्म है। यहाँ पे जो है वो इसका फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। सो टेक सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर, आर के लिए आज से सेल्फ प्रोडक्ट ले ली यहाँ पे हमने दोनों साइड पर, ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2r डॉट डी आर ओवर डी टी डैश आ गया, और दूसरी साइड पे क्या आ गया हमारे पास 2r dr ओवर dt के बराबर आ गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देना, r से r कैंसिल आउट कर देना, तो पीछे देखिए हमारे पास क्या रह जाएगा, कुछ ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आ गई, वेयर v इज़ वेलोसिटी एंड r इज इक्वल टू r ओवर r इज़ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ चार्ज टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट सो टेक नेगेटिव, ठीक है। आगे पुट इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 9, इसी इक्वेशन को जब इक्वेशन नंबर 9 के अंदर पुट कर देना, ठीक है, यहाँ से पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 11। बट हम जानते हैं कि जो बीटा है वो बराबर होता है वी ओवर सी के बराबर होता है, ठीक है, तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 आ गई, ठीक है। सो उसके बाद देखें पुट इक्वेशन 8, इक्वेशन 11 एंड इक्वेशन 12 एंड इक्वेशन नंबर 6। 8, 11 और 12 को अब किस में यूज़ करना है, 6 में यूज़ करना है। जब उस वैल्यू उसको 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 13 मिल जाएगी। सो यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाली टर्म 1 के बराबर होती है। इट इज़ कॉल्ड लीनियर विचेट वेक्टर पोटेंशियल, ये वाला जो फार्मूला ये क्या कहलाता है, लीनियर विचेट वेक्टर पोटेंशियल कहलाता है। इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्जेस की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने क्या करना है, अब हम इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 11 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 11 में। जब 11 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, सिंपलीफिकेशन के बाद हमें ये क्वेश्चन नंबर 14 मिलेगी। और यही जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये क्या कहलाती है, लिनर्ड विचर्ड स्केलर पोटेंशियल कहलाती है, और ये भी डिपेंड करती है उनकी वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने लिनर्ड विचर्ड पोटेंशियल को डिस्कस किया, वेक्टर पोटेंशियल के लिहाज से भी और स्केलर पोटेंशियल के भी लिहाज से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।